पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ममता बनर्जी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि वो राम के नाम से चिढ़ती है, कोई सनातन की बात करे उससे चिढ़ती है। मैं ममता दीदी को निवेदन करना चाहता हूँ कि राम भारत की आत्मा है, राम से चिढ़ना छोड़े, एक बार अयोध्या आए, माथा टेके, सनातन की बात करें, श्री कल्कि धाम आए, क्योंकि भारत सनातन का देश है जिसके बिना सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार है और ममता दीदी जो हैं बहुत ही मजबूत सशक्त नेता हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो राम के नाम से चिढ़ती हैं। अगर जय श्री राम की कोई बात करें उससे चिढ़ती हैं, सनातन की बात करें उससे चिढ़ती हैं। मैं ममता दीदी को, ममता जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राम भारत की आत्मा है, राम से चिढ़ना छोड़ें, एक बार अयोध्या आएं, सनातन की बात करें, माथा टेकें, श्री कल्कि धाम आएं, क्योंकि भारत सनातन का देश है और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और राम हमारी आस्था के आधार तो है। उसको देश से भगाने की बात, देखिए ये कानून का विषय है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार इतनी ताकतवर है और कानून के हाथ इतने लंबे हैं, कोई कहीं नहीं भागेगा, जो जहां से भी जहां भागेगा वहां से पकड़ के लाया जाएगा। राहुल गांधी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने, यहां का जो है शराब पीकर के नाच रहा है, काशी में भी बयान दिया है। राहुल गांधी जी की पार्टी में जो नेता उनके पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माँ के साथ रहे, उनके साथ उतना बेइज्जती का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। पहले राहुल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं के अन्याय के खिलाफ न्याय करना चाहिए, तब जा करके उन्हें कुछ कहना चाहिए। देखिए ऐसा है, कौन कहाँ जाएगा ये सब तय है, किसको क्या मिलेगा ये भी तय है, थोड़ा इंतजार करो। सर कांग्रेस में रहते मंदिर नहीं बन पाया, अब आपको क्या अपेक्षा है? देखिए अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ना तो अयोध्या का मंदिर बनता और ना श्री कल्कि धाम का शिलान्यास होता। कब तक बन जाएंगे कल्कि नारायण भगवान का मंदिर? लगभग 4-5 साल। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सत्संग हो, हर जगह हो, क्योंकि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, और जब सत्य का संग होगा तो फिर उस देश में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ संसद जो है वो भारत का मंदिर है, देश का मंदिर है, तो देश के मंदिर संसद में अगर सत्संग होगा तो इसमें क्या बुराई है? राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा लेकर घूम रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? किसी की दुकान में कोई सौदा नहीं बचा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।